इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में कम स्कोर वाले टेस्ट मैच में 68 की पारी खेलने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में 6 स्थान के सुधार के साथ कैरियर में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंच गए हैं। इस समय वह 8वें पायदान पर हैं। इस मैच की पहली पारी में रोहित शर्मा ने 66 रन बनाए थे और दूसरी पारी में वह नाबाद 25 रन बनाकर खेल रहे थे। रोहित टीम के साथ ही खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा से 2 पायदान ऊपर हैं। उनके नाम 742 रेटिंग अंक हैं, जो उनके पीछे पिछले सर्वश्रेष्ठ 722 अंक से 20 ज़्यादा हैं। उस समय वह रैंकिंग में 10वें स्थान पर थे। स्पिनरों की मददगार पिच पर शानदार प्रदर्शन करने वाले मैन ऑफ द मैच रहे अक्षर पटेल और अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। मैच में 11 विकेट लेने वाले स्पिनर अक्षर पटेल 30 स्थान के सुधार के साथ 38वें, जबकि 7 विकेट लेने वाले आप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 4 स्थान के सुधार के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर जैक रीड भी पहली बार 30 में जगह बनाने में सफल रहे। इस टेस्ट में 4 विकेट के साथ वह 28वें, जबकि टेस्ट में पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले कप्तान जो रूट 16 स्थानों के सुधार के साथ 72वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रूट हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में 13वें स्थान पर हैं। पहली पारी में 53 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉले 15 स्थान सुधार के साथ 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने कहा है कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग को मार्च 2021 से साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाएगा। आईसीसी के इस बयान के मुताबिक यह परिवर्तन रैंकिंग की गणना के तरीके को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब है रैंकिंग को किसी श्रृंखला के खत्म होने के बजाय साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिससे उस समय जारी मैच में प्रदर्शन को शामिल नहीं किया जाएगा।